आपका वेलकम है आज के इस व्लॉग में। ये वीडियो व्लॉग स्टाइल ही रहने वाला है। 15 तारीख सुबह के 6 बज रहे हैं और कहाँ जा रहा हूँ, पहले तो कशिश भाई से मिलेंगे मीटिंग पॉइंट पे, एंड देन डिसाइड करेंगे किस डायरेक्शन में जाना है। अभी मैं चला रहा हूँ बजाज फ्रीडम 125। सिर्फ इंडिया की नहीं भाई, दुनिया की पहली CNG बाइक है भाई ये, समझ रहे हो आप बजाज ने क्या गेम कर दिया है। पहली सी एन जी बाइक का रिकॉर्ड है भाई बजाज के पास, बन गया है, चल गई बाइक, चला रहा हूँ मैं, प्रोडक्शन में, आप खरीद सकते हैं जाके डीलरशिप पे। लेकिन इस बाइक में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं जो बजाज क्लेम कर रहे हैं, और रियल लाइफ में जो फिगर्स हैं क्या वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में। वीडियो लंबी भी हो सकती है, शायद दो पार्ट में भी आ सकती है, तो पूरी देख लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आए कहीं से भी तो, देखने के बाद पहले नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं। ऑलरेडी करा हुआ है तो अपने लिस्ट में जो भी लोग होंगे उनके साथ शेयर करिएगा। क्या हो गया भैया आपको, आप क्यों रुक गए? एक तो ये ब्रिज नहीं बन पा रहा है काफ़ी सालों से इन लोगों से, तो एक ही ब्रिज है उसी पे सारे लोग चल रहे हैं आने जाने वाले, बहुत गंदा जाम लग जाता है भाई ऑफिस टाइम पे कार पे। अभी तो संडे है, ये इधर देखो, आई थिंक ऐसा लग रहा है कुछ महीनों में बन जाना चाहिए अगर यहाँ के नेताओं की कृपा रही तो। तो अभी ये जो है ये पेट्रोल पे चल रही है, आप देख सकते हैं पेट्रोल की लाइट आ रही है। टोटल 155 किलोमीटर चला लिया मैंने जब से मैंने पिक करी है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका जो है वो CNG मैंने ख़त्म कर दिया है, ये मैंने CNG पे स्विच करा। देखिए आप CNG पे यहाँ बाइक का मतलब CNG दिखाता है बाइक में कितना है, पेट्रोल नहीं दिखाता है। देखिए बंद हो गई बाइक, देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि CNG बाइक में जीरो है। और अगर CNG जीरो है तो हमारा माइलेज टेस्ट करना फ़र्ज़ बन जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है CNG का भी और पेट्रोल का भी करेंगे। देखिए CNG पे बाइक सेल्फी नहीं ले रही है, देख रहे हैं आप, तो इसको पेट्रोल पे डालेंगे, थ्रॉटल ब्लिप ऐसे करने पे स्विच हो जाती है, चालू हो गई, बढ़िया। और पेट्रोल की भी लाइट जल रही है। अब इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि पेट्रोल इसमें कम होगा, जितना भी होगा देख लेंगे, जहाँ तक चलेगा पेट्रोल पे चलाएंगे। वैसे तो कशिश भाई की लोकेशन के आसपास CNG पंप है तो CNG फिल करा लेंगे, खाली टैंक में कितना गैस आता है ये भी पता चल जाएगा। चलिए सारी चीज़ें करते हैं एंड आपको मिलता हूँ। आजकल दिल्ली में मौसम इतना प्यारा बना हुआ है कि हल्की हल्की ठंड लग रही है भाई सुबह शाम, मैं तो फ़ैन बंद कर दे रहा हूँ, वैसे ही मुझे ठंड लगती है, पतले लोगों की प्रॉब्लम। डेनिम जैकेट डाल ली है मैंने, मैंने कहा बढ़िया है हवा नहीं लगेगी, राइडिंग गेयर्स तो है नहीं अभी, मैंने कहा जब तक इसी से काम चलाते हैं, और बढ़िया यार। अब इसमें जो है वो पेट्रोल की लाइट भी ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है एंड पे ही है, जो कि अच्छी बात है मेरे लिए, मैं 1 लीटर माइलेज चेक कर लूँगा, एकदम सुखा देंगे। ठीक है जी, CNG पंप पे आ गए हैं, मैंने आपको दिखा दिया था कि पेट्रोल पे चला रहा हूँ मैं, एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये बटन है, नीचे मतलब पेट्रोल, ऊपर मतलब CNG, स्टार्ट भी नहीं हो रही है। इसको वापस पेट्रोल पे लाएंगे, थ्रॉटल ब्रेक करेंगे। उधर है, है? तो एक्सपीरियंस जो है वो देखते हैं, ये वाला है, वहाँ जीरो दिखा दिएगा, ठीक है। उस्ताद जी प्रेशर कितना है इसमें अभी? प्रेशर 200 तो अच्छा है। अच्छा है मतलब सही माना जाता है ना, 200 प्लस तो अच्छा है ना। कंपनी कहती है 2 किलो आएगी, देखते हैं कितनी आती है। 2 किलो नहीं आएगी ना, 2 पूरी नहीं आती है, 1.80 ऐसे आती है। अगर प्रेशर है तो आ भी सकती है।
इसीलिए मैं खाली करके लाया हूँ एकदम, ताकि मेरे को भी पता चल जाए, क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं तो पता रहनी चाहिए। एक अस्सी आई ना, नहीं तो ये कंपनी कह रहे हैं कि 2 किलो गैस आएगी, कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन हाँ वही है कि 1.80 आ रही है, 1.80 1.837 है ना, ठीक है। और ये आपकी 137.44 रुपये की, चलिए इसको लगा दीजिए उस्ताद जी, ये तो अंदर ही डलेगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे दबा दूँ ना, ये बस हो गया बाकी। हाँ हाँ पेट्रोल भी आएगा इसमें, ये देखिए पेट्रोल 2 लीटर पेट्रोल आ रहा है, सर को पता है, 2 लीटर ये और कंबाइंड जो है वो 350 चल जाएगी, 350 नहीं चलेगी, मतलब कंपनी कह रही है 300+ तो चली जाएगी। हाईवे पे चलाओगे 60-70-100 की माइलेज देगी सीएनजी पे, पेट्रोल पे भी 60-70 देगी, बाकी टेस्ट करने ही जा रहे हैं। हाँ जी ये आ रही है 1,35,000 ऑन रोड, वो दे दिए स्कैनर, पे कर दूं मैं आपको पहले। सीएनजी को पेट्रोल का अलग अलग लगाना पड़ता है उसमें? हाँ नहीं यही है और यहाँ से स्विच हो जाएगा, हाँ जैसे गाड़ी में होता है अपना बटन। अरे ये इसकी नन्नी है उधर। नहीं नहीं मैं ये खींच रहा हूँ, मुझे थोड़ा लगाना होगा ना रिकॉर्ड, ले लेगा यहाँ से। देखो जी 137.94, ठीक है, इंद्रप्रस्थ गाजीपुर, ठीक है। एक बार आपको प्रेशर भी दिखा देता हूँ मैं उस्ताद जी, थोड़ा सा ये हटाएंगे, बस थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, मैं प्रेशर दिखा दूँ। हाँ ये है 210, ट्रिप जो है वो रीसेट कर देंगे, ये आवाज़ कैसी आई भाई, फटना है यही ना। देखो सीएनजी पे स्विच करते ही बाहर फुल दिखा रहा है, और इसको जो है साइड में लगा लेते हैं, बी को जो है वो रीसेट कर लेंगे ताकि पूरी चला लें। अब देखो सीएनजी पे चालू हो जाएगी, बढ़िया। पहली बाइक आ रही है ये सीएनजी वाली पंप पे, अपने आई भी है पहले, आ चुकी हैं 2-4, मतलब निकल रही हैं कंपनी से, सीएनजी के पैसे ले रहे हैं ना। 26 की लेके आया, हाँ तो इसमें 3 मॉडल आता है, ये सबसे ऊपर वाला है, सबसे ऊपर, इसमें ब्लूटूथ है, एलईडी लाइट है, जिसमें ये दो चीज नहीं है वो सस्ती होगी, ये और एक ड्रम ब्रेक है, ये डिस्क ब्रेक है, ऐसे इस मारे महंगी है, ठीक है देखते हैं चला के, हम तो टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें पता चलेगा ना तभी तो बताएंगे लोगों को, सही नहीं होगी तो बोलेंगे भाई सही नहीं है। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। तो भाई देख लो ट्रिप 2.0.1 है, अभी भी फ्यूल स्टेशन पे ही खड़े हम, कैसे भाई पेट्रोल डलवा रहे थे, यहाँ से जो है वो अपनी ट्रिप स्टार्ट हो रही है। चलो भाई ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मेन चीज़ दिखाऊँगा आपको, जैसे ही एटलीस्ट 100 किलोमीटर चला लूँगा, हाफ टैंक हो जाएगा तो दिखा दूँगा, क्योंकि मैंने कैमरा लगा लिया है तो मुझे भी साइड से फ्यूल बार्स देखने पड़ रहे हैं। अभी जो है वो हम गाजीपुर में हैं, अभी कितना 21.4 किलोमीटर आ गए हैं, एक बार तो बेसिकली 2-4 किलोमीटर बाद ही ख़त्म हो गया, वो एकदम वो होगा ना टॉप वाला बार, फ्रीडम 125 चलाने के बाद ये जानवर सी लग रही है। कैसे भाई से स्विच कर लिया मैंने, कहा भाई आप भी चला के देखो और बताओ आपका क्या फीडबैक है। सो बेसिकली एक ही इनके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो एक ही हैं, अगर तरीके से देखा जाए तो। ये मुझे बड़ी वैसी फील हो रही है, देख रहे हो छठा गियर लगा दिया मैंने इतनी जल्दी।
कह रहा हूँ स्पीडो एरर चेक करना, स्पीडो एरर कितने पे है। असली मजे ले रहे हैं तार कन्वर्टेबल वाले, और ये है कन्वर्टेबल का सबसे बड़ा फायदा, मौसम सुहाना, छत खोल दो नेचुरली भाई, जो है वो यू नो सब कुछ, कोई ऐसी नहीं, कोई कुछ नहीं, पेट्रोल गाड़ी है, ऑटोमेटिक है, मज़े आ रहे हैं भाई बैठे के, मज़े मुझे आ रहे हैं। मेरे को चेक करना है प्रेशर कितना है उसमें, अरे हाँ इधर आओ, दिखा रहा हूँ कि प्रेशर दिखाता है, देखो 100 प्लस दिखा रहा है अभी। और वहाँ पे कितना है? हमने नहीं, जब हमने CNG फिल कराई टैंक तब चेक करना था, नहीं उसका तो 210 था। ये इस टैंक का प्रेशर है ना, अभी टैंक में जो प्रेशर है ये वो बता रहा है, वहाँ पे CNG पंप का जो प्रेशर था वो 210 था। हाँ अभी ग्रीन पे ये, सो बेसिकली जैसे जैसे CNG ख़त्म होगा ना ये रेड पे आ जाएगा, जब मैंने ख़त्म करा था ना तो ये रेड पे था, अभी 100 प्लस है ना, 200 तक भी जा गया होगा ये, है ना, ये बेसिकली ये प्रेशर बता रहा है कि जहाँ तक जाएगा। हाँ हो सकता है, डेढ़ सौ तो मैंने, उन्होंने भी टैंक फुल करके दिया था, मैं समझ गया ना अभी जो मैंने कराया ना, सही है ना, यही पता लग जाएगा ना। हाँ ऐसे तो उन्होंने भी टैंक फुल करके दिया था, तो 155 पे ख़त्म करी है मैंने, ठीक है देखो जैसे लगेगा ना बंद होने वाली, और 155 पे जो मैंने ख़त्म करी है वो 2-3 दिन करोल बाग गया हूँ, तो वो सिटी वाला हो गया, उन्होंने फुल करके दी, मैंने रीसेट करा, चलाया 155 चली। राजा जी हवेली के बाद ये वो हो जाएगी। नहीं नहीं तो कुछ खाते हैं, अरे बढ़िया यहाँ चार्जर लगा हुआ है, सभी ईवी लेके आएंगे फिर, और क्या। प्रेशर देखिए कितना है, 100 से थोड़ा सा नीचे है, उतना ही है अभी। बार कितने बचे हैं, ये चल गई 68.4 किलोमीटर और 4 फ्यूल के बार्स हैं अभी, आना जाना हो जाएगा। हाँ मतलब काफ़ी हद तक दिल्ली पहुंच जाएंगे अगर ख़त्म होगा भी तो, बाकी देख लेंगे, यानी पेट्रोल पर भी चलाएंगे लेकिन पहले ये वाला ख़त्म कर लेंगे फिर। भाई आप बताइएगा कि मैं समीर को मिला था, वो जानते हैं मुझे, मैंने नाम आपने लिया था, उसने कहा कि शायद आपका वीडियो मैंने उनके साथ देखा है। अच्छा आप पहचान रहे थे, थैंक यू। अच्छा फ़ोटो खींचेंगे आप। 68.5 का एरर है, जितना मुझे पता है। 68.7 कम है ना, ये इतना कम आ रहा है। तीन पॉइंट दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि गढ़ मुक्तेश्वर वाला वहाँ से आगे आ गए हैं और यू टर्न ले लिया एंड वापस दिल्ली की तरफ। ओडोमीटर की रीडिंग दिखा दूंगा आपको, ये देखिए ब्लिंक क्यों कर रहा है ये फ्रेम, तो ये आ गए हम 94.2 किलोमीटर और जो ट्रिप टू है, और अभी भी 3 बार फ्यूल के दिखा रहे हैं। तो जी 117.2 किलोमीटर चल गई है बाइक और अभी भी 2 फ्यूल का बाहर है, उम्मीद है कि दिल्ली चली जानी चाहिए। एक बार बचा है भाई CNG का और 118.4 किलोमीटर चल गई है। आया तो मैं फुल थ्रॉटल हूँ, 90, 95, 98, 100 तक टच कर रही थी जहाँ जहाँ इंक्लाइन था। लो CNG की वार्निंग आ गई है, ख़त्म हो गया, देखो भाग नहीं रही अब।
खत्म 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 147 चल रही है, आगे आओ ना 147 चली खत्म 147। आप में भी सेम है, 145 आ रहा है। ये 2 किलोमीटर ज़्यादा है, जहाँ तक चलेगी चलाते हैं। चलो लगे आज पेट्रोल का भी टेस्ट हो जाएगा। भाई 147.4 गया। गया भाई। प्रेशर देख लेते हैं ना। जीरो पे है भाई। 147.4 टाइम देख लो, ट्रिप देख लो, ट्रिप टू है। गंगा से आ रहे, एक बार और चालू करके देखें। नहीं नहीं पेट्रोल पे तो हो जाएगी। अच्छा साइड सेंड लगा है ना, मिस कर रही है। अब जीरो है। नहीं हो रही है, नहीं ले रही है। चलो इसी बहाने पेट्रोल की टंकी खाली करनी है, मतलब एंड पे ही है। 1 लीटर तेल डालेंगे, वो भी टेस्ट हो जाएगा। तो जी ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि पेट्रोल का माइलेज मैं इसमें ऐड करूंगा एफिशिएंसी, तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। वो वीडियो आप अलग देख लेना, आपको पता चल गया कि 1 किलो 800 भूल गया मैं कितने ग्राम था, उतने CNG में बाइक इतना चली है। बाकी आपको रिव्यू भी मिलेगा इस बाइक का। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा अपने सर्कल में जो CNG वाली बाइक लेने का सोच रहे हैं। और अगर आपको लेनी है तो आप रिव्यू का वेट करिए, रिव्यू भी आएगा भाई, और पेट्रोल की माइलेज भी बताऊँगा मैं।